पठानकोट बस स्टैंड से टैग चौक को जाता मार्ग किसी स्टंट ग्राउंड से कम नहीं है, क्योंकि इस रोड पर वाहन चलाने के लिए आप में गजब का कौशल होना चाहिए और साथ ही आप बेहद सौभाग्यशाली भी होने चाहिए ताकि सही सलामत अपने घर तक पहुंच सके, वरना इस रोड पर वाहन चलाना किसी फिल्मी कर्तव्य से कम नहीं। सड़क के बीच गड्ढे हैं या गड्ढों के बीच सड़क, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। नाम शिवा जी, जरा रोड की बड़ी ज्यादा हालत माड़ी है जी, तो आए दिन बड़े हादसे होते रहते, गड्डिया भी डिगदी सर, बच्चे भी डिगते, साढ़े परिवार को बहुत ज्यादा सर समस्या सर, आए दिन इतने हादसे होते रहते, अभी चाहते हैं कि कोई हादसे ने शिकार देखा रहे सर, आ सड़क बनाई जाए, जो कार के पुल तो लैके डी सी ऑफिस तक सड़क बना सकते हो, की गल की है, सड़क नहीं बना सकते, इन्हें भी बनाना चाहिए सर, जे तुम कार के पुल तो पूरी डी सी ऑफिस तक सड़क, मतलब कि सड़क तो बनानी चाहिए, सरकार ताकि सुन नहीं रही, अभी तेजे मीडिया के माध्यम राही ये कहना चाहते कि सरकार साड़ी सुने, सरकार साड़ी टुडे हेडलाइन से माध्यम राही यही कहना चाहते हैं कि सरकार साड़ी सुने, साड़ी गली साड़ी जी सड़क है बने, क्योंकि सड़क ने कोई भी ओडा हादसा होते रहे, बड़े बड़े गड्डिया निकलदियाँ, बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े बसा निकलदियाँ सर, बड़े हादसे होते सर, इतने गलिया में चलो हादसा हो जाए, चलो बंदा चुक भी लगता सर, ये सड़क के हादसा होते बंदे की मौत ही हो जाती है, सड़क के हादसे से बंदे की मौत ही हो जाती, सर सड़क नहीं कोई बना रहा सर, अभी प्रशासन तो अभी लोगों को अभी सरकार तो यही मांग करना चाहते कि साड़ी सड़क बनाई जाए, यहाँ कोई निर्माण किया जाए, क्योंकि जिन्हें भी सिंपल चौंक तक सड़क देख ही लो, सिंपल चौंक तक सारी सड़क बनी है, अमित विज ने बनाई है जी, अमित विज ने अभी कहने कि इतने बनाई है सर, उत्तर देख लो तीन एक नींह पत्थर रखा हुआ, उत्तर लिखा है अजय दो दिन सर नींह पत्थर लिखे लगे सर, उत्थे भी कोई काम नहीं होया सर, साड़ी सड़क बनी जी है नींह पत्थर लाने का की पैरा, वो कहने जी मैं फ्लाईओवर बनावगा, फ्लाईओवर ता ही बनाएगा जी सड़क बनेगी, सड़क की सर बुरी हालत है, बहुत एक्सीडेंट साढ़े जिन्हें भी दुकानदार है कोई भी बड़ा हादसा होता वो सारे आग चुकते हैं, कोई नहीं आग चुकता सर, वो ही सारे आग चुकते हैं, सारे नहीं मेहरबानी सर वो काम हों, सारे आग चुकते हैं, अभी नहीं कहते कि नहीं चुकते, सारे आग चुकते हैं, सारे दुकानदार का धन्यवाद करते हैं जो दुनिया की जान बचाते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, जे ऐ सरकार कोरोना काल के संकट के बच्चे भी लोगों की मदद नहीं कर रही, मैंने दसो अगली बार उन्होंने अभी कभी भी आई अगले ही सड़क तो नहीं बढ़न देना, उन्होंने अभी चाहते कि साड़ी सड़क बने, साड़ा रोड बने, रोड पक्के तरीके बने कि ताई के व्डा हादसा हो सके, एंबूलेंसा भी इतों लगदिया रोज, एंबूलेंसा ट्रक बलडोजर कि बड़िया चीजा लगती है सर, पर हादसे का कोई शिकार वो सारे हो रहे हैं सर, अभी चाहते कि साड़ी सड़क बने, साड़ी प्रशासन सुने, साड़े लोग सुने, साड़ी जनता सुने साड़ी कि साड़ी सड़क जी बने, थैंक यू सो मच। रोड बहुत ही हालत माड़ी है, बस स्टैंड लैके तो अपने अपने यही जनरेटर दरखत तो यहाँ बहुत डूंगे होने रहे हैं, अच्छा गांधीनगर सामने जो रोड है ना बहुत दिनों दिनों डूंगा होने रहा, लोग आ के भी देख पाते हैं, तो कई बार साढ़े सामने लोग डे पे है, तो अभी कहने लोग भाई पा के पक्का काम किया जाए, जेडे जेडे रोड से टोए पे अभी बड़ो बार गया तो बस इदा ही है, फोन के निकल जाते हैं, किन्नी देर हो गए रोड काफ़ी चेर टुटे तो है, बरसात भी पता लगता लोगों को रोड के बारे मांग यही की जाए भी चंगी तरह रोड पक्का किया जाए, ताकि कोई डिगर नहीं बच्चे बरसात भी पता लगता कि रोड कितने है कितने नहीं, पक्का किया जाए फिर ही गल। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी इंटरनेट, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए, उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं, सभी केबल कर्मचारियों को सलाम।